नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, होप यू आर वेल। आपके लिए हमेशा दुआ गो, आपकी हर चीज़ के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला सब कुल को सलामती दे और अल्लाह ताला सब के साथ रहें और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हम पे निछावर होती रहें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके अलावा प्रेस द बेल आइकॉन। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वन ऑन वन कनेक्टेड रहूँ और वी इंस्टाग्राम और फेसबुक आप मेरे साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़े अफसोस के साथ, बहुत माजरत के साथ कुछ लोगों से जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप सब लोगों से शेयरिंग जरदारी साहब की डेथ के बारे में, जो वीडियोज़ जो हैं, जो PPP के लीडर हैं उनकी डेथ के बारे में बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी। इसी तरह और भी बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें सिर्फ जरदारी साहब ही नहीं बल्कि और लोगों के बारे में भी उनकी डेथ या उनकी अलालत या उनका बिस्तरे मर्ग पे होना या उनकी हालत तशवीशनाक होने के बारे में खबर दी जाती है। अभी पिछले दिनों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का एक चैनल ने खबर नशर कर दी कि उनकी डेथ हो गई, हालाँकि ऐसा नहीं था। हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेड बेगम कुलसूम नवाज़ शरीफ के बारे में भी ये बात सर्कुलेट करती रही सोशल मीडिया के ऊपर कि उनकी डेथ हो गई है, हालांकि उस वक्त ऐसा कोई नहीं था कि उनकी डेथ हो गई। उनकी जब डेथ हुई तब हमें पता लगा। अल्लाह ताला उन सबको जो जा चुके हैं दुनिया से उनको जन्नत नसीब फरमाए। एज़ मुस्लिम्स, एज़ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज़ माई फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ लेडी और एज़ अ फ्रेंड टू यू कि प्लीज़ नेगेटिव चीज़ें अपलोड मत कीजिए किसी की डेथ के बारे में, जिससे किसी की फैमिली की दिल आज़ारी हो, दोस्तों की दिल आज़ारी हो, किसी की बीमारी के बारे में या उनकी बीमारी में तस्वीरें वीडियोस अपलोड ना करें। बहुत सारे लोग इस वक्त जिन पेशेंट्स को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है कोरोना से, उनकी वीडियोज़ अपलोड करें सोशल मीडिया पर। माना कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है और आप उससे बहुत सारी बातें कह सकते हैं जो आपके दिल में है, लेकिन प्लीज़ ऐसी बात तो ना करिए ना। मियाँ मोहम्मद बख्श का एक कलाम है जिसमें वो फरमाते हैं कि जब दुश्मन फौत हो जाए तो खुशियाँ नहीं करनी चाहिए, अपने दोस्त भी चले जाते हैं। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि इनएविटेबल है, हर एक को आनी है, तो उसमें प्लीज़ गलत सलत वीडियोस ना शेयर कीजिए, गलत सलत इंफॉर्मेशन ना शेयर कीजिए। हमारे डॉक्टर्स इस वक्त बहुत बड़ी डिजीज़ के साथ फ़ाइट कर रहे हैं, फोर फ्रंट पर खड़े हैं, मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं। हमें आप लोगों से खराज तहसीन चाहिए। आप उनको ऐसी वीडियोस दें जो खराज तहसीन पेश करें, उनको ऐसी दें जो कि लोगों के अंदर कोई होप दिलाएं, जो लोगों के अंदर खुशियां बखेरें, जो लोगों की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ काम कर सकें। तो एज़ माय फ्रेंड्स, क्या आप अग्री नहीं करेंगे कि हमें वाकई ऐसी वीडियोज़ पेश करनी चाहिए और ऐसी नहीं जिसमें किसी की डेथ की खबर हो या जिसमें किसी को बिस्तरे मर के दिखाया गया हो या किसी की डेड बॉडी की तस्वीरें शेयर की गई हों। तो नाज़रीन, मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि फोकस जो है एक अच्छी चीज़ का फोकस इस किस्म के प्रोपेगेंडा से हटा के अच्छी चीज़ का फोकस किसी नेगेटिव तरफ ना मत लेके जाएं। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला अपनी बरकात और अपनी मगफरत और अपनी हर चीज़, हर अच्छी चीज़ के दरवाज़े हम लोगों पर खोल दें। आमीन। आपके लिए हमेशा दुआ करूँ।